अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये देखें, आपको डव नज़र आ रहे हैं ये बायर। तो इसकी ख़ास वजह है कि आज जो डव का केज है ये क्या है, तो ये इसकी सफाई हो रही है। तो जब भी इसकी सफाई होती है तो ऐसा ही मसला बनता है, वो इसलिए कि सारे डब्बे निकल आते हैं ये जो अंदर, जब हम इसकी सफाई करते हैं। तो इसलिए ये देखें, बहुत दिनों के बाद की है और ये इस तरह गन बना देती हैं। तो अभी आधी सफाई की है, आधी अंदर ही है। ये तो अंदर है इसलिए कि ये देखें, इनका बच्चा भी है और एग भी है। तो इसको भी मैं निकाल के बाहर करूँगी और इस पॉट की भी सफाई करूँगी। ये भी इधर बैठी हैं, इसके अंदर से तो मैंने गन निकाल लिया है और अभी ये थोड़ा बहुत गन बाकी है, तो इसको भी बाहर निकालती हूँ। ये कुछ अंदर हैं और बाकी इधर बैठी हैं, कोई इधर बैठी हैं तो कोई बाहर है। ये रात को गन ऐसे ही छोड़ दिया था, तो दूसरे दिन ये मुर्गियों ने इसको सारा फैला दिया है। तो अब इसको समेट के इसको इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि हमारे कंपोज के लिए काम आएगा। ये सब इकट्ठा कर लिए हैं, अब ये खाद बन जाएगी जो कि हम अपने पौधों में डालेंगे और बतौर खाद इसको इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह से सारी सफाई हो गई है। इधर से इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ रेत रहती, तो यहाँ पर जो हमारी दो मुर्गियाँ और एक मुर्गा है वो बैठता था। तो यहाँ पर मैंने सफाई कर दी है, और वैसे तो मैंने उस टोकरी को खाली करना था, लेकिन वो जो डव थी वो पक्की उस पर बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि ऐसे ना हो कि मैं इसको हटाऊं तो वो बच्चे को मार दे, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। तो इसलिए इसको फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो सफाई करने के बाद ये नेक्स्टिंग का सामान भी रख दिया है, जो कि कुछ तो ये ऊपर भी ले गए हैं और कुछ ले जाने की तैयारियों में है। और ये अपने बेबी और अंडों पे बैठी हुई है, और इनको खाना और पानी भी डाल दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।